चलिए देखिए, जो आपका पार्ट 11 चल रहा था टॉपिक 1 में, आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया था। अब टॉपिक 2 में 4 एग्जांपल आप लोगों को बताया जाएगा। पहला एग्जांपल में आप देख रहे हैं, जो क्रॉस कराया जा रहा है पहले एग्जांपल में, उसमें आप देखिए एक सामान्य स्त्री, यहाँ देखिए एक सामान्य स्त्री तथा एक वर्णांत क्या है पुरुष में उत्पन्न संतानों में वर्णांधता अप्रभावी जीन, वर्णांधता अप्रभावी जीन पुरुष से किसमें पहुंच रहा है, पुरुष से पुत्रियों में पहुंचता है। इसका प्रभावी एलील दूसरे गुणसूत्र पर उपस्थित होने के कारण वर्णांध का लक्षण प्रकट नहीं होता है। पुत्रों में वायु गुणसूत्र तथा सामान्य यक्ष गुणसूत्र पहुंचने के कारण सभी पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अब आइए देखें एग्जाम्पल वन में, हमने नॉर्मल मदर लिया, नॉर्मल मतलब माता, सामान्य जिसे स्त्री का, और एक कलर ब्लाइंडनेस फादर मतलब एक वर्णांध क्या है पिता है। दोनों के बीच क्रास कराने पर मदर के द्वारा निकले हुए ओवा, फादर के द्वारा निकले हुए स्पर्म, आप जानते हैं स्पर्म को मेल को इस मॉडिफाइड करते हैं चिन्ह से, और फीमेल को मादा को ओवा को इससे प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान दीजिए, तो आपके जो ये नॉर्मल स्त्री थी, यहाँ ओवा यक्ष है, और जो कलर ब्लाइंडनेस फादर था वहां पर स्पर्म यक्ष सी और वाई है, यक्ष सी का मतलब जानना है कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद आइए देखिए, हम एक गुणसूत्र लेंगे, गुणसूत्र लेते हैं तो क्या निकला आपका यक्ष, यहाँ यक्ष है तो यहाँ यक्ष, और फिर यहाँ से ले रहे हैं तो ये क्या है पिता का जो लिंग गुणसूत्र यक्ष का है वो क्या है, यक्ष सी है, तो यहाँ लिया तो यहाँ क्या हो गया यक्षी हो गया। तो जब यक्षी हो गया तो ये क्या कैसा प्राप्त हुआ, कैरियर डाटा। अब देखिए यहाँ से फिर मैंने क्या लिया, यक्ष लिया, एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र यक्ष लिया स्त्री में से, फिर एक पुरुष में से वाई लिया। अब एक यक्ष आया वाई आया, दोनों कैसे हैं, वाई पर सी नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं है क्योंकि यक्ष पर ही होते हैं, तो वाई कैसा है यहाँ सामान्य, और ये यक्ष कैसा था फीमेल का, ये भी सामान था, तो कैसे प्राप्त हुए सन, नॉर्मल सन। अब यहाँ फिर देखिए, फिर हमने नॉर्मल स्त्री से यक्ष लिया, यहाँ नॉर्मल ही आया, लेकिन पिता से फिर जब यक्ष लिया तो यक्षी आया तो कैसा हुआ, कैरियर डाटर हुआ। इस प्रकार से हमने यहाँ एक क्या लिया, वाई लिया, यहाँ से यक्ष लिया, ऐसा हुआ नॉर्मल से। इसका मतलब एग्जाम्पल वन में जो रिजल्ट हमें मिला वो कैसा मिला, भी देखिए कैरियर डाटर है, यहाँ भी कैरियर डाटर, और यहाँ नॉर्मल सन है, यहाँ नॉर्मल सन है, तो आप जान गए होंगे कि रिजल्ट कैसा है, 50-50% नॉर्मल, 50% सन, और कैरियर डाटा 50%। अब देखिए यही जो कैरियर डाटा आया और जो नॉर्मल सन आया पीढ़ी में पहले में, इसका विवाह यहाँ पर कराया गया, देखिए मैरिज कराया गया और क्रास गया, तो कैरियर मदर अब यहाँ है, क्यों, क्योंकि पिता से ये लक्षण किसमें गए थे, पुत्री में गए थे, और जो सन प्राप्त हुए थे वो कैसे थे, नॉर्मल थे, तो यहाँ कैरियर स्त्री, और यही जो नॉर्मल सन है ये मेच्योर होने पर नॉर्मल पिता, इसके बीच क्रास कराया गया। अब यहाँ फिर जान रहे हैं क्या है आपका,
ये आपका ओवा है और ये आपका क्या है, स्पर्म है। यहां देखिए यक्ष लिया, ये नॉर्मल यक्ष, यहां से लिया ये भी नॉर्मल यक्ष आया, तो कैसा प्राप्त हुआ, नॉर्मल डाटर हुआ। फिर यहां से यक्ष लिया नॉर्मल, मैंने यहां से नॉर्मल पिता से वाई लिया तो नॉर्मल सन हुआ। फिर देखिए यहां से यक्ष लिया ये, अब इस पर रो व्याप्त थे, यक्षी है ये, यहां से लिया यक्ष, आप यहां भी लिख सकते हैं यक्ष सी यक्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा वर्टिकल दृष्टिकोण से वो गलत माना जाएगा, तो हम अपने सीरियल से यक्ष और यक्षी लिखते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो देखिए कैरियर डाटर 25%, यहां देखिए यक्ष सी गया और ये वाई आया, तो कलर ब्लाइंड सन 25% यहाँ। इस प्रकार से इसमें रिजल्ट आपकी कैसे प्राप्त हुए, नॉर्मल डाटा 25%, नॉर्मल सन 25%, कैरियर डाटा 25% और कलर ब्लाइंड सन 25%। इस तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में 25-25% का रिजल्ट आया। अब अभी आप लोगों को हम एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 बताने जा रहे हैं। इसी टॉपिक में आपको हम एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ आपका लिखा जाएगा टॉपिक 2 में जो चल रहा था एग्जाम्पल 1 और 2 वही है एग्जाम्पल अब 3। वहां से रिजल्ट जो आया था आपका कैरियर मदर, कैरियर मदर और कलर ब्लाइंड फादर के बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ। क्रॉस कराने पर ये आपकी क्या है, ओवा है और ये आपके स्पर्म है, दोनों के बीच जो क्रॉस हुआ वो प्यूरी में देखिए क्या रिजल्ट आया। यहां से एक लिंग गुणसूत्र यक्ष मैंने यहां लिया, यहां से एक यक्ष लाया तो कैसा हुआ, कैरियर डाटा हुआ। फिर यहां से मैंने एक यक्ष लिया और यहां से मैंने वाई लाया तो कैसे हुआ, यहां नॉर्मल सन हुआ। फिर यहां से मैंने एक यक्ष लिया, यहां से मैंने एक यक्ष लिया, ये दोनों कैसे हुए, कलर ब्लाइंड डाटर हुए। और फिर यहां से एक यक्ष लिया और यहां से वाई लिया, ये कैसे हुए, कलर ब्लाइंड सन हुए। इस प्रकार पहले रिजल्ट में आपका क्या आया, 25% कैरियर डाटर, 25% नॉर्मल सन, कलर ब्लाइंड डाटर 25% और कलर ब्लाइंड सन 25%। इस तरीके से चौथे एग्जाम्पल में आप देखेंगे यही जो कलर ब्लाइंड डाटर उत्पन्न हुए थे ये बड़े हुए और जो आपके नॉर्मल सन हुए वो बड़े हुए, दोनों मैच्योर होने के बाद दोनों के बीच क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने पर देखिए यही चीज है यहां पर और ये चीज आपका यहां पर है, दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया मैच्योर होने पर मैरिज कराया गया, विवाह कराया गया, तो यहां से यक्ष सी लिंग और एक यहां से नॉर्मल कैसे हुआ, कैरियर डाटर, यहां से फिर यक्ष सी और वाई लिया कलर ब्लाइंड सन, यहां से लिया और यहां से अब कैसे हुआ, कैरियर डाटर और यहां पर वाई लिया, यहां से यक्ष सी लिया कलर ब्लाइंड। इस तरीके से 50% आपके क्या है, कैरियर डाटर वाहक पुत्री और 50% आपके क्या है, कलर ब्लाइंड सन वर्णांध पुत्र। चौथे पीढ़ी में 50% आपके कैरियर डाटर और 50% आपके कलर ब्लाइंड सन प्राप्त हुए। इस प्रकार से इनके 4 एग्जाम्पल दिए गए थे जिसको मैंने मॉडिफाइड किया और ये आप चारों एग्जाम्पल
अपनी कॉपी पर बना लेंगे। थैंक यू।